साल 2015 में इंदौर की एक छात्रा ने हिंदुस्तान के मानचित्र पर अपना नाम दर्ज कर दिया। आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों की श्रेणी में टॉप होकर कृति तिवारी प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। एक बार उनकी एवी देख लेते हैं और उनके पिताजी कृष्णचंद तिवारी और उनकी मम्मी हेमलता को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृति यहां पर नहीं है लेकिन उनका अवार्ड लेने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। इंदौर के महू की मेधावी छात्रा कृति तिवारी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साल 2015 में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में कृति लड़कियों की टॉपर थी। उनकी इस मेधा को देश के प्रधानमंत्री ने सराहा भी और उनका सम्मान भी किया। भारत सरकार ने एक साल तक डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किए अपने प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के प्रचार की जिम्मेदारी कृति को सौंपी है। गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है और उन्हें ही बोलूंगी कि जितने लोग उस तक हो सके उन तक ये बात पहुँचाए, और जितने भी लोगों से मिलूंगी उन्हें बताऊंगी कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रही है, उन्हें यूज करिए। आईआईटी जेईई की परीक्षा में 47वां रैंक पाने वाली कृति तिवारी फिलहाल आईआईटी मुंबई से बीटेक कर रही हैं। आपकी लगन और कुछ कर दिखाने के इस जज्बे को सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। तो कृति के इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में वो राज्य का नाम दुनिया भर में रोशन करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।